ये मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड है, एक है HDFC का पेटीएम क्रेडिट कार्ड और दूसरा है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। पहले HDFC पेटीएम क्रेडिट कार्ड से मैंने रेंट पेमेंट करके आपको दिखा दिया है, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। इस वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आपको रेंट पेमेंट करके दिखाऊंगा, या यूं कहे कि इस क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारे तरीके से सेंड कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, जैसे कि क्रेड एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू भी आप अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो क्रेडिट कार्ड का। पर मुझे जो सबसे इजी वे लगता है अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करने का क्रेडिट कार्ड से, वो पेटीएम लगता है। तो उसके लिए मैं सिंपली पेटीएम ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पेटीएम की हेल्प से ही आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। और आपको अगर कैशबैक चाहिए होता है तो सिंपली आप अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस एज अ रेंट पेमेंट के थ्रू पे करें। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप रेंट पेमेंट के थ्रू क्रेडिट कार्ड करते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं, तो फ्लैट आपको 200 रुपये का जो है वो कैशबैक मिलने वाला है। तो सिंपली मैं रेंट पेमेंट पे यहाँ क्लिक कर लूँगा और जो भी डिटेल होगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड, यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो मैं बैंक में आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर जो है पहले ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखा है अपने HDFC पेटीएम क्रेडिट कार्ड, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो बैंक में मैंने पहले ट्रांसफ़र किया था। तो उनका यहाँ पे डिटेल आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे हिस्ट्री देख पा रहे होंगे, एक बार मैंने 2000 रुपये भेजा है और दूसरी बार 4000 रुपये पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड की हेल्प से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो 4000 रुपये मुझे 66 रुपीज़ का टैक्स लगा था, यानी कि कह सकते हो सर्विस फ़ी, और 2000 रुपये 33 रुपये का लगा था। आप हमेशा पेमेंट जो है खुद के बैंक अकाउंट में नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखें। आपको जो ये पेमेंट है वो या तो किसी दोस्त के अकाउंट नंबर पे करना है, या अपने फैमिली के मेम्बर, यानी कि फैमिली में किसी भी मेम्बर के बैंक अकाउंट पर। तो सिंपली किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है और उसका यहाँ पर बैंक अकाउंट या फिर मोबाइल नंबर या फिर UPI ID यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर उनका डिटेल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इनको पे करना चाहता हूँ, तो पे पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि मेरे क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट बचा हुआ था वो 6000 का बचा हुआ था, तो 6000 में से मैंने 5800 यहाँ पे टाइप कर लिया है, क्योंकि 163 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 160 या 150 के आसपास इसका जो है वो कन्वीनियंस फीस भी कट होगा। तो 6000 के नीचे, यानी कि 5800 मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। इसके बाद मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूँगा। जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, यानी कि पेमेंट पेज पे, और यहाँ पे आपको आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल देना है। तो मैं फटाफट डिटेल डाल लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू टिक पे टिक कर देना है, क्योंकि ये RBI का गाइडलाइन है। और इसके बाद मुझे देख रहे हो, मैंने 5800 यहाँ पे सेंड किया है अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में नहीं, अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में। और उसके लिए मुझे जो है वो 139 रुपीज़ का कन्वीनियंस फी पेटीएम चार्ज करेगा। तो मेरे जो टोटल अकाउंट से बैलेंस कटेंगे वो 5939 रुपीज़ कट होंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिक्योरली पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप पे सिक्योरली पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आप ये देख रहे हो कि 5800 जो है मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुका है और मेरे बैंक से जो है वो 5800 कट चुके हैं, सॉरी मेरे क्रेडिट कार्ड से, और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल भी लिख रखा है। और मेरे जो दोस्त के अकाउंट में, यानी कि बगल में उसका मोबाइल रखा हुआ है, तो उसमें जो है वो बैलेंस रिसीव हो चुका है, यानी कि इंस्टेंट बैलेंस जो है वो रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में एज अ रेंट पेमेंट सेंड कर सकते हैं। हालांकि मुझे जो है वो 5800 पे जो मुझे चार्ज किया गया है, यानी कि 5800 पे मुझे जो चार्ज किया गया है वो 139 रुपीज़ किया गया है। तो मैं इसको परसेंटेज में निकाल के दिखा दूं, तो 139 को अगर मैं 5800 से डिवाइड कर दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये जो बैंक हमको यानी कि पेटीएम ने हमको बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए जो चार्ज काटे हैं वो 2.39, इसको राउंड ऑफ कर दे तो 2.4% का जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करने पे चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर करते हो तो ये आपसे करीब करीब 2400 रुपये जो है वो चार्ज करेगा। तो ये 2.4% चार्ज करता है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करते हो तो। और अगर आप पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करते हो तो ये ओनली 1.5% का जो चार्ज है वो कट करता है, क्योंकि ये पेटीएम का ही क्रेडिट कार्ड है, HDFC के साथ लिंक है। तो इसमें आपको कम चार्ज देना पड़ता है, ये जो कार्ड मैं आपको दिखा दूँ पेटीएम का, तो इसमें आपको कम चार्ज देना पड़ता है अगर इसके बैलेंस को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो। ये 1.5% का चार्ज कटता है और ये जो है वो चार्ज कट करता है आपको 2.4%, जिसको मैंने आपको यहाँ पे आपको लाइव दिखा दिया है। अगर इसका आपका रेंट पेमेंट ट्रांसफर करके देखना है वो वीडियो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।